हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योग नाम है सजगता का, जागरूकता का, होश पूर्ण जीवन जीने का। योग नाम है विवेकशीलता का, आशा उत्साह शौर्य और स्वाभिमान का। तो आइए आज की शुरुआत पूर्ण व्यायाम के साथ करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम उसके बाद होगा। तो आप डेली लाइफ में फर्स्ट आसन भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, बाद में प्राणायाम कर सकते हैं। पहले भी प्राणायाम कर सकते हैं, बाद में आसन और व्यायाम कर सकते हैं। इसमें कोई क्रम विशेष का वैसा महत्व नहीं है जैसा कुछ लोग समझते हैं। यमन यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि, कि इसमें पहले आसन आता है बाद में प्राणायाम आता है। वो जो अष्टांग में आसन आता है ना, अष्टांग योग में, वो होता है स्थिर सुखम आसनम। तो प्राणायाम उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। चलिए आसन करेंगे बाद में, अब खड़े हो जाइए और एक प्रार्थना का उच्चारण। धरती की शान तू है, मनु की संतान, ऐ मनुष्य तू बड़ा महान है। क्यों निराश होता है, क्यों उदास होता है? जिंदगी को उत्सव की तरह जी, देह को देवालय शिवालय बना। तो प्रभु का अमृत पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा वयम पुत्र मदितेरियो विधर्ता। चलो आओ झूमते हुए गाते हैं जरा, और आपकी शक्ति शौर्य और स्वाभिमान को जगाते। जो कमजोर हैं, बीमार हैं, धीरे धीरे कर लेना, कभी ज्यादा उत्साह है और बूढ़े लुढ़क जाए। धीरे धीरे धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तो कौन है रे? मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तो है, मनु के संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तो कौन है रे? मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मन तो बड़ा महान है। पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तो जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे रे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, भूल मत तो बड़ा महान है। धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तो कौन है रे? मनुष्य तो बड़ा महान है।
ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। धरती के लाल तेरा हिमगिरी संभाल, तेरी मुट्ठी में तांडव का ताल है। खुद को तू जान, खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में हो, तेरे वाणी में युग का आह्वान है। रे मनुष्य तो बड़ा महान है, रे मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तो है मनु के संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तो पान है। रे मनुष्य तो बड़ा महान है, रे भोल मत तो बड़ा महान है। धैर्य तुझ में अग्नि सा तेज, तू जो चाहे तो तूफान को थाम ले। हर पल प्रभु की कृपा से अभिभूत महसूस करना, अपने आप को सांसों को भीतर गहरे भरते रहना। उमशन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीते संयह अभिश्रवंत्र प्रभानंद घन बनवर्ष। सच जैसी तुम्हारी संकल्पना होती है वैसे तुम्हें प्राप्ति होती है। मुक्त पुरुष बुद्ध पुरुष आशीष देगी तुम्हें। श्वासों को भीतर गहरा भरना, प्रार्थना के साथ प्रणाम करना। ओ प्रभु तेरा आश्रय, तेरी कृपा, तेरी दया मिले सुना। प्राणायाम करते करते सारा अंधेरा छटता जाता है। पैरों को एक बार सामने खोल लो, जरा एक बार फिर से हिला देते, नहीं तो जाम हो जाओगे। तो बोले बाबा जी आप ध्यान लंबा क्यों नहीं कराते? मैंने कहा मैं लंबा ध्यान कराऊंगे तो बहुत से सो जाएंगे। मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट कपालभाति आंखें बंद करवा के कराऊं ना, यदि तो थोड़ी देर तो तुम करोगे और बाद में क्या कह रहा था बाबा? सो जाओगे तो, इसलिए लंबा मैं नहीं करवाता, 5-5 मिनट करके जगा देता हूं आपको, है ना। लेकिन तुम सोचते हो ना अंदर मस्त हो जाते। ध्यान क्या? भीतर की ओर प्रस्थान, यही है ध्यान। गोल गोल घुमा लो रे, गोल गोल वैसे भी गोल गोल हैं बहुत से। तो दूसरी ओर से भी एंटी क्लॉकवाइज। बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, फिर से एक बार बटरफ्लाई कर लेते हैं। देखो आचार्यों के पास, गुरुओं के पास जब आते हो ना, तब सब भ्रम छोड़ करके आया करो। आग्रह अज्ञान सारा, अविवेक सारा, अहंकार छोड़ के आया करो। नया तो तब उतरेगा ना जब
तेरा अंतर खाली हो जाएगा, पहले से ही भरा हुआ है, तो उसमें और क्या भरा जाएगा। आचार्यों के साथ, गुरु के साथ अपने टीचर के साथ, अपने मास्टर के साथ कैसे जीना, एक हृदय एक विचार एक मन एक भाव एक संकल्प। कपाल भाती करते करते थक गए थे, अनुलोम विलोम कराते हैं तो फिर नया जन्म होगा। आचार्य तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। माँ अपने बच्चे की स्तुति करती है, उस बच्चे से प्रीति हो जाती है। हम धन की स्तुति करते हैं तो धन से प्रीति हो जाती है। मकान की स्तुति करते हैं, आह क्या खूबसूरत मकान बनाया, तो खुद की अट्टालिका बनाने के लिए आगे आते हैं। जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रेम हो जाता है, इसलिए जिससे प्रेम करना हो उसकी प्रशंसा किया करो। जिसको प्रसन्न करना हो, जिससे प्रीति करनी हो, उसकी स्तुति किया करो। तो मुझे भगवान को रिझाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो मुझे मैं भगवान की स्तुति करता हूं। दोनों हाथ घटना पर प्रार्थना। अहंकार ना हो जाए पद का, सत्ता का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान बहुत कुछ दे देता है। और मैंने तो जिंदगी में यह देखा है कि ईश्वर ने तुम्हें जो दायित्व दिया हुआ है उसको 100% श्रद्धा से, कमी नहीं होनी चाहिए 1% भी, 100% डिवोशन, 100% डिटर्मिनेशन, फिर 100% विश्वास और 100% स्ट्रगल, संघर्ष, तो भगवान तुम्हें इतना देते हैं, इतना देते हैं। जैसे किसी का पूरी दुनिया पर जिसका साम्राज्य हो, ऐसा किसी का बाप हो, तो वो ये देखता है कि मेरी औलाद लायक हो जाए कम मैं इसको अपना साम्राज्य सौंप दूं। और यदि बाप है दुनिया का मालिक, वो प्रेसिडेंट है अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश का, लेकिन बच्चे को डिप्रेशन हो रखा है, उसको कुछ सौंपेगा कोई अपनी सत्ता? अरे वैसी पागल है, देश को डुबो देगा। प्रभु तुम्हारी बाट जो रहा है वो अपना संपूर्ण ऐश्वर्य तुम्हें देना चाहता है। एक बार तुम पात्रता लाओ तो सही अपने भीतर, फिर तुम पाओगे मुझे प्रभु ने इतना दिया है जिसके मैं योग्य नहीं था। प्रभु अब बाहर छोड़ते जाओ श्वास, एक बात बता रहा हूं। इंद्र कृतम नाभर पिता पुत्रे भ्यो यथा शिक्षाण अस्मिन प्रहूत यामिनी जीवा ज्योति अशीम। सांसों को बाहर छोड़ो। वेद में स्वयं भगवान ने उपदेश दिया है, ए मेरे अमृत पुत्रों में तुम्हारे सदा साथ हूं, तुम्हें अपना संपूर्ण ऐश्वर्य देना चाहता हूं, तुम कर्म करो तो सही, अपने भीतर पात्रता तो पैदा करो, तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सांसों को बाहर छोड़ते जाओ। मैंने तो जिंदगी में यही देखा, मैंने जो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था वो सब कुछ पाया। एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, खेत में हल भी चलाया, गाय भैंस चराने के लिए मां बाप ने भेजा तो गाय भैंसों को भी चराया, घर में गोबर भी उठाया,
झाड़ू भी लगाई। सेकेंड हैंड बुक लेकर के क्लास में पढ़ा, फर्स्ट आया।